हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक राय, सभी का स्वागत आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में करता हूँ। मित्रों, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीच बीच में मैं वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। SSC में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है और आप लोगों से निवेदन है कि अप्लाई करते रहा करिए, किसी एक चीज़ों पर स्टिक होके या किसी एक चीज़ पे फोकस होके मत रहा करिए, क्योंकि जो भी पैटर्न आप तैयारी करते हैं वो सब पे फॉलो होते हैं, सारे वनडे एग्ज़ाम्स पे होते हैं। तो SSC MTS में 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी और आवेदन कब से शुरू हैं, कितने पोस्ट हैं, अंतिम तिथि कब है आवेदन की, कितनी फ़ीस है आवेदन की, सभी प्रश्नों के जवाब इस एक वीडियो में। तो ये आप सभी को पता है मेरा यही पैटर्न रहता है, कोई नई वैकेंसी से रिलेटेड एक एक पॉइंट को अपनी तरफ से रखने का। फिर भी कोई व्यक्तिगत आपके प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसके जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस के लिए, सारी वैकेंसीज की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मॉर्निंग की न्यूज़पेपर में है और आज अमर उजाला के न्यूज़पेपर में एक एक चीज़ को मैं इसमें से क्लियर करूँगा कि MTS के पदों पर भर्ती को आवेदन 22 अप्रैल से, यानी 22 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो आज आपकी 12 तारीख है, 10 दिन का समय है आपके पास, अच्छे से अपनी तैयारी भी शुरू कर दें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन भी, ये सारी चीज़ें आप देखते रहें। जो भी इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा मैं आप तक पहुँचा दूँगा। तो SSC में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती है। SSC की ओर से केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा 2019 के लगभग 10,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। आयोग की ओर से भर्ती के लिए आवेदन नवंबर 2018 में जारी करने की तैयारी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण होने की वजह से पदों को घोषित नहीं हो सकी थी ये आवेदन। लेकिन अब SSC की ओर से होने वाली प्रमुख परीक्षाओं में से एक MTS भर्ती के लिए हाईस्कूल पास परीक्षार्थियों के लिए आवेदन मौका होगा, यानी जो 10th लेवल के भी अभ्यर्थी होंगे वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो अब की बार आयोग की ओर से बड़ी संख्या में पदों की घोषणा होने की संभावना है और अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी अर्हता के अनुसार पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। MTS नॉन टेक्निकल के पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच रखी गई है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों के प्रश्न रहते हैं कि कब से आवेदन शुरू है, कब है, क्या है, तो उसके बारे में बातचीत। MTS भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन आवेदन आपकी 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 22 अप्रैल 2019। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 22 मई रहेगी, यानी टोटल आपको एक महीने मिलेंगे, 22 मई तक लास्ट डेट है। MTS 2019 के पहले चरण यानी फर्स्ट स्टेज की जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में होंगे और MTS 2019 के सेकंड स्टेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 17 नवंबर को होंगे। और आपके प्रवेश पत्र कब से मिलेंगे, आपके प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले SSC की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के एक एक प्रश्नों के जवाब इसमें रहें। इसके अलावा भी जो आपके व्यक्तिगत प्रश्न हों पूछते रहिएगा और इसके बाद भी कई डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज़ की डिटेल अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, मैक्सिमम शेयर करते रहिए। स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।